अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये देखिए, मैं आज अपनी बेटी की शर्ट लेकर आई हूँ आपके सामने। आज मैं इसको कटिंग भी करूँगी, स्टिचिंग भी करूँगी, कुछ डिज़ाइनिंग भी करूँगी। पहले तो आप कटिंग देखिएगा, मैं कटिंग किस तरह कर रही हूँ। बाकी ये है कि अब मैं अपनी बेटी की नाप अकॉर्डिंग बना रही हूँ सूट। तो ये है कि मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ। इस टाइम 4 इंच में गले का हिसाब लूँगी, 4 इंच ही में इसका कंधे का हिसाब लूंगी। ये देखें, 4 इंच मैंने गले का लिया, 4 इंच कंधे का लिया, 1 इंच में ज़्यादा लूंगी। उसके बाद मुंडों की कटिंग करूंगी 6 इंच पे। ये 6 इंच में मुंडों की कटिंग कर रही हूँ, 1-1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा दूंगी इसलिए कि ताकि वो सिलाई में चले आएगा। बाकी चेस्ट के हिसाब मैंने मैं अपनी बेटी का 8 रखती हूँ, थोड़ा लूज़ ही रखती हूँ क्योंकि ये शर्टें जो होती हैं ना, ये लूज़ ही अच्छी लगती हैं। ये ज़्यादा फिटिंग में तो फिर आपको पता है बेकार ही लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा पैंट टाइस इन चीज़ों के साथ पहनाई जाती हैं। तो ये कि मैं इसका ये चेस्ट का हिस्सा 8 लूँगी। ये मैंने 8 पे निशान लगाऊंगी, पहले ये 8 पे मैंने निशान लगा लिया। ये अब मैं इसके बाद 2 इंच ज़्यादा लेके 9-10 पे कटिंग करना शुरू कर दूंगी। दो इंच मैंने ज़्यादा लेना है इसमें। अब मैं 2 इंच के बाद ये कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। कमर के हिस्सा थोड़ा सा ही बनाऊंगी, हिप्स के नीचे वाले साइड से मैं इसको नीचे तक लेके जाऊंगी। हिप्स से घुटने तक वाला साइज़ होता है, वहाँ ले जाके मैं रोक दूंगी कैची को ना। ये देखें, अब मैं हिप्स वाले साइड से लेती हुई जाऊंगी और ये मैं ले जाके घुटनों वाले साइड होता है वहाँ जाके रोक दूंगी इसे, क्योंकि असली डिज़ाइन ही समझो यहाँ से तैयार होगा अभी, है ना। अब ये मैंने इसकी कटिंग करी है पूरी। उसके बाद मैं दामन वाले साइड से इसे पकड़ूंगी इस तरह करके, इस तरह रखूंगी ये, और इसका हिसाब मैंने लेना है 4 इंच का, यानी कि दामन से 4 इंच ऊपर करके कटिंग करना शुरू करनी है। दामन से 4 इंच ऊपर, नीचे तो दायरे से पहले एंड ही होगा उसका, दामन से ऊपर 4 इंच लेके और आके नीचे किनारे पे है ही रोक देना है 11 पे लाके। ये मैं इसको 11 पे रोक दूंगी इसको लाके। ये देखिए, मैं आपको बताने है, मकसद भी मेरा यही है कि ताकि आप लोगों की सही तरह सिलाई की कटिंग की हर चीज़ आपके साथ बैठ जाए, ताकि आप जब बनाएंगे तो फिर आपका कंप्लीट और ज़बरदस्त सूट तैयार होगा बेबी का। ये मैंने कटिंग कर दी 11 पे लाके, 4 से लेके 11 पे, यानी कि 4 दामन से ऊंचाई पे रखना है ऊपर करके और नीचे ले आके 11 पे कटिंग कर देनी है। अब ये जो दूसरी सिलाई है ये वाली, ये आपकी यहाँ से शुरू होगी समझो, ये कटिंग ये वाली जो है ये इधर ला के रुकेगी। ये देखिए, ये मैंने ला के यहाँ छोड़ दी। अब आप खुद देखें, आपको पता चलेगा कि डिज़ाइन वाकई में ही ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी ये कि मैं आके इसको बनाती हूँ और फिर आप मुझे लाइक करिएगा। ये देखें, ये मैं फूल बना रही हूँ जो मैंने आपको बताया था। ये मैंने गुलाब की टहनियाँ होती हैं, पन्नी कलियाँ होती हैं, कलियाँ स्टाइल होते हैं ये मैं कलियों की तरह बना रही हूँ इसे। इसका मैंने 4 इंच चौड़ाई, 4 इंच लंबाई इस पीस के लिए। एक तिकोन सा पीस ले लिया चकोर, उसको तिकोन हिस्सा बना के उसके अंदर डोरी रख के मैंने इसकी सिलाई लगाई है। अब मैं हल्के हल्के से इसमें चुने दूंगी छोटी छोटी सी, क्योंकि चुनों से ही इसमें डिज़ाइनिंग बनेगी, वरना इसमें डिज़ाइनिंग नहीं बनेगी इसमें। ये मैंने चुने दी इसके अंदर। अब जो अकॉर्डिंग फालतू का कपड़ा है उसे मैं काट दूंगी। ये मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें,
ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें। और फिर आपको तो पता है हाफ हाइट के ऊपर आतिशी का कंट्रास्ट तो वैसे ज़बरदस्त होता है। इसी तरह मैंने बाकी दूसरे फूल भी इसी तरह ही बनाए हैं सारे ये। और दूसरी बात ये कि आप माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, लाइट ही चली गई थी हमारे यहाँ की, तो मैं स्टिच नहीं कर पाई, आपको दिखा ना पाई सीते हुए। तो ये कि अगली दफ़ा फिर से ही आपको मैं दूसरी शर्ट बना के दिखाऊँगी, इसलिए भी मैंने जल्दी जल्दी इसको सी के फटाफट दूसरे टाइम में, उसके बाद मैंने वीडियो असल में अपलोड करनी थी, इस चक्कर में मैंने फिर जल्दी से सी बाकी कंप्लीट करके, ये कि मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी मेरी बेटी पहन के कैसी लगेगी इसके अंदर। बाकी फूल भी सब इसी तरह ही बन जाएंगे सारे जिस तरह है। तो टोटल चार फूल तो बनाने हैं, चार, दो इस आस्तीनों के, दो इस आस्तीनों के। लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत बनी ये शर्ट, बहुत अच्छी लगी, ज़बरदस्त लगी। और मैंने जैसे ही वीडियो लोड करी तो काफ़ी लोग कमेंट साइज के ऊपर कि आप हमें ये वैसे सीना सिखाएं। इंशाल्लाह कोशिश रही, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको अलग सीना भी सिखाऊंगी। और जो डिज़ाइन ज़बरदस्त अच्छा लगे तो फिर आपको पता है सिलने के बाद तो वो और अच्छा लगता है। कोई मेरा चोरी किया हुआ डिज़ाइन नहीं है, ये मैंने खुद अपने दिमाग से बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको देख लिया, उसको देख लिया, डिज़ाइन बना लिए, लेकिन नहीं, मैं किसी को देख के नहीं बनाती, मैं खुद शौक रखती हूँ इन सिलाइयों का, अपनी मर्ज़ी से अपने दिमाग से डिज़ाइन बनाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ एक से एक बने डिज़ाइन, ताकि वही डिज़ाइन मैं आपके सामने लेकर आऊँ, आप उसे पसंद करें। ये भी मैंने पूरी इसी तरह ही बनाया है, इसका मैंने फालतू कपड़े निकाल दिया। ये देखिए मैंने सीधा किया इसको, ये भी इसी की तरह ही बन गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है ये देखिए। बहुत प्यारा बना है, देखें ये बन गया, तैयार हो गया, ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब मैं अपनी बेटी को पहना के दिखाती हूँ, ये देखें कैसी लग रही है, ज़बरदस्त लग रहा है सूट, आप खुद बताएं। देखें काउनर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसकी स्लिप्स कितनी प्यारी लग रही हैं, आस्तीनों का डिज़ाइन अम्ब्रेला स्टाइल में मैंने बनाया है सारा। ऊपर गले में पैनल, ये गला नहीं था, ये मेरी फ्रॉक के बचे हुए पैनल थे दो, तो ये मैंने इनकी कटिंग करके उसे गले के स्टाइल में देके दोनों पीसों को, और उसके चारों तरफ मैंने लेस लगा दी, क्योंकि मेरी बेटी भी ज़्यादा हेवी पसंद नहीं करती पहनना सूट, ये कि मैंने उसके मुताबिक सिंपल सा करके बना दिया, लेकिन ज़बरदस्त लगा था। चूड़ी 1 इंच इतनी मैंने इसमें चूड़ी पाइपिंग लगा दी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अल्लाह हाफिज़।